एल्विश यादव सोशल मीडिया की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी में पहले ही दिन हलचल मचा दी। एल्विश यादव बिग बॉस के इतिहास के सबसे धांसु वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन चुके हैं। शो में एंट्री करते ही एल्विश यादव ने धमाका कर दिया। उन्होंने टीवी की दुनिया के तीन बड़े सितारे अविनाश सचदेव, फलक नाज और जिया शंकर को अपनी रडार पर ले लिया। पहले दिन एल्विश ने इन तीनों से पंगा लिया और उनके मुंह पर कहा कि वो उन्हें पसंद नहीं करते। इसके साथ वो बेबिका संग अपना लव एंगल भी चला रहे हैं। अविनाश जो शो में अब तक गुमसुम नजर आ रहे थे वो भी एल्विश की वजह से दिखने लगे हैं, क्योंकि एल्विश उनसे जबरदस्ती भिड़ने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से अविनाश को थोड़ी बहुत फुटेज मिल रही है। कृष्णा अभिषेक ने भी वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश के धुआंधार गेम की तारीफ की। कृष्णा ने कहा कि एल्विश बिंदास तरीके से निडर होकर गेम खेल रहे हैं और उन्होंने सोते हुए अविनाश को भी जगा दिया है। बिग बॉस के इतिहास में जितने भी कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड बनकर आए हैं उन्होंने सभी से घुलने मिलने में एक दो हफ्ते का समय लिया है, लेकिन एल्विश पहले ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने एंट्री के साथ ही धमाल मचा दिया। एल्विश यादव से पहले यूट्यूबर अभिषेक मलान और पूजा भट्टी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। शो में सबसे ज्यादा अभिषेक ही दिख रहे थे और उन्हें जनता का बेशुमार प्यार भी मिला, लेकिन एल्विश के धमाकेदार अंदाज के आगे अब अभिषेक भी फीके लगने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में एल्विश अभिषेक को पीछे छोड़कर फैंस के फेवरेट बन पाएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसको विनर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।